साथियों, हमारे देश के इतिहास और उसकी विरासत पर दृष्टि डालें तो कुछ लोगों ने उसे सत्ता के संघर्ष, हिंसा, उत्तराधिकारी की लड़ाई तक वहीं तक सीमित कर दिया था। लेकिन सबके बीच, जैसा गुरुदेव ने भी कहा था, इतिहास का जो एक और पहलू है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं उसकी भी चर्चा इस विद्वत जनों के बीच करना चाहता हूं। साथियों, अस्थिरता के उस दौर में, हिंसा के माहौल में उसका सामना करना, राष्ट्र की चेतना को जागृत रखना, उसे संभालना, उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। दशक दर दशक, पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दी दर शताब्दी ये कार्य किसने किया? हमारी कला, हमारे साहित्य, हमारे संगीत, हमारे बौद्धिक जनों, हमारे संतों, हमारे दार्शनिकों ने किया। और इसलिए भारत के हर कोने में आपको अलग अलग तरह की कला और संगीत से जुड़ी विशेष परंपराएं देखने को मिलेगी। भारत के हर क्षेत्र में आपको बौद्धिक जनों, संत जनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इन व्यक्तियों ने, उनके विचारों ने, कला और साहित्य के अलग अलग स्वरूपों ने इतिहास को अपने ही तरीके से समृद्ध किया। और आप सभी ये भी भलीभांति जानते हैं कैसे महान व्यक्तित्वों ने भारत के इतिहास के कुछ सबसे बड़े सामाजिक सुधारों का नेतृत्व भी किया। भारत को आदि शंकराचार्य से संतों का आशीर्वाद मिला। अंदाल, अक्का महादेवी, भगवान बसवेश्वर, गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी हमें प्रेरणा देता है। जब भारत के अलग अलग हिस्सों में भक्ति आंदोलन चला तो उस लंबे से कालखंड में अनेक संतों और सुधारकों के गीतों, विचारों ने उसे समृद्ध किया। संत कबीर, तुलसीदास जी, एकनाथ जी, नामदेव जी, संत तुकाराम जी समाज को जागृत करते रहे। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था कि जहां उस कालखंड में इस प्रकार के महापुरुष कार्यरत ना हो। समाज परिवर्तन के लिए राजा राममोहन राय जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयास आज भी उतने ही प्रेरणादायी है। इसी तरह हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर, ऐसे अनेक व्यक्तित्वों को भारत को, भारत के इतिहास को समृद्ध करते हुए देखते हैं। सामाजिक सुधार, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, उस दौर में महिला सशक्तिकरण के लिए इतनी कोशिश करना, ये राष्ट्र की चेतना को जागरूक रखने के ही तो प्रयास थे। और जितने भी नाम आप देखें, बहुत से नाम में नहीं भी ले पाया, लेकिन उन्होंने साहित्य को, कला को, संगीत को ही अपने संदेशों का माध्यम बनाया। यही है कला, संगीत, साहित्य की ताकत। उन्होंने हथियारों की शक्ति से नहीं, जनशक्ति से परिवर्तन लाने का इतिहास रचा। शस्त्र के सामने शास्त्र का सामर्थ्य उन्होंने दिखा दिया।